वाल वाल तबाकी, बड़ी गहरी नींद में लग रहे हो। तुम्हें इस रास्ते पर चलने का कोई हक नहीं है। तो फिर मुझे रोक कर दिखाओ। ओ माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम्हारे तो पंख ही नहीं है। मैं इस गंदे पंखों वाले कौवे को रोक नहीं पाया। क्या बकवास कर रहे हो लोमड़ी? कल्लू मेरा मेहमान है, ध्यान रहे हमें कोई परेशान ना करे। तो भागो यहाँ से, समझे? चलो अब निकलो। तो तुम पैरों के निशान देखकर जंगल के किसी भी जानवर के बारे में पता कर सकते हो? शानदार, पेड़ पर लगी हुई फर और आधा खाया फल। रुको, मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखो, एक एक पैर वाला पंछी, क्या ऐसा होता भी है? अरे बिल्कुल नहीं बुद्धू कहीं के, जरूर सारस होगा जो एक पैर पर खड़ा होकर आराम कर रहा होगा। एक पैर पर कोई खड़ा नहीं रह पाता, समझे क्या? निशान हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, उनकी ड्रॉपिंग्स भी बहुत कुछ बता सकती हैं। क्या तुम दोनों हंसना बंद करोगे? इन ड्रॉपिंग्स से हमें पता चल सकता है कि वो क्या खाता है, कहाँ जाता है। जैसे कि ये देखो, इसमें ये पीले बीज दिखाई दे रहे हैं? ये तो चने जैसे दिख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे ये करी वाले चने हैं। ये लालची जानवर गांव में जाकर आया है। हरजीत, बिल्कुल सही पहचाना तुम दोनों ने। मैंने कहा था पूप हमारे लिए बहुत सारी जानकारी उजागर कर सकती है। इसमें हम दोनों का फायदा है। मैं गिलहरियां नहीं खाता लेकिन उसका घोंसला मुझे भा गया है। हम दोनों एक दूसरे पर एहसान कर रहे हैं। मैं इस बारे में सोचूंगा। और साथ ही मैं उस इंसान के बच्चे को तुम्हारी थाली तक पहुंचाने का रास्ता भी ढूंढ कर दूंगा। कल्लू कितना चतुर है, हम दोनों साथ मिलकर बड़े बड़े कारनामे करेंगे। लेकिन मालिक वो जिंदा दिली और अच्छी तरकीबों से भरपूर है, बहुत काम का जानवर है। और मेरे बारे में क्या मालिक, क्या मैं आपका सबसे वफादार नौकर नहीं हूँ, आपका दोस्त नहीं हूँ? मेरा क्या, मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ और मुझे एक जलन से भरे लोमड़ी के सामने सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा हिरन। हाँ, वो दौड़ने में बहुत तेज होते हैं। अग्नि, तुम्हें क्या हुआ? पीछे हट जाओ बिना बालों वाले बंदर, क्या तुम्ही ने मेरा घोंसला चुराया है? वो किस बारे में बात कर रही है? मुझे नहीं पता, मुसीबत ये है कि वो हमें पहचान नहीं पा रही। बेचारी अग्नि पूरी तरह से खो चुकी है, उसे क्या हुआ होगा? उसके पंजों के निशान का पीछा करें, कुछ और पता चल जाए। हाँ, ये समझाने के लिए कि क्या हुआ है, हम उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते। प्रैक्टिकल काम, अच्छा आइडिया है। देखते हैं तुम दोनों अपने दम पर क्या कर सकते हो। अब जाओ। अब याद करने की कोशिश करो, क्या तुम्हारा घोंसला बहुत दूर है? किसी पेड़ पर, किसी छेद में, पानी के पास। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैं एक खुफिया मिशन पर हूँ। क्या ये तुम ही हो, वो महान पहाड़ी गिलहरी? क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा एक भी दोस्त नहीं है, शेर खान को अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम दोनों का किसी बात पर झगड़ा हुआ? वेल, कुछ ऐसा ही, उसने मुझे दफा हो जाने को कहा। तो हमारी टीम में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? बताओ, तुम्हारा क्या कहना है बगीरा? हम अग्नि का घोंसला ढूंढने के लिए छानबीन कर रहे हैं, उसकी याददाश्त खो चुकी है पूरी तरह से। हम तुम्हारी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब, बेशक बगीरा की भी सूंघने की शक्ति बहुत शानदार है, मिलकर हम इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। क्या मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो सकता हूँ, क्या सच में? ओह, इतनी जोर से नहीं, ध्यान और शांति, बस ये दो ही चीजें हैं जो कामयाबी के मिशन का राज होती हैं, समझे? देखो यहाँ पर, हम उसी रास्ते पर हैं जिस पर अग्नि गई थी। पूरा ध्यान और शांति। ड्रॉपिंग्स? तुम्हें क्या लगता है बगी, एक गिलहरी, एग्नी नाम की गिलहरी, वो छुटकू कितनी लालची है? अखरोट, टूटे हुए काजू, अनार के दाने, और रुको, ये क्या है, क्या तुम इन्हें देख पा रहे हो? तुमने सही कहा, ये लग रहे हैं जैसे कोई। अब बच्चों,
सावधान रहना, ये बेरीज दिखने में भले ही स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन इन बेरीज को कभी मत खाना। तुमने सुना था बाकी, इन्हें खाकर तुम पागल हो जाओगे। हाँ, अच्छा, इसलिए अग्नि को समझ नहीं आ रहा वो कहाँ है, उसने ये बेरीज खाई थी। ये देख रहे हो, एक अनार जिसके दाने अग्नि की ड्रॉपिंग्स में थे और इसमें भरी हुई है काली बेरीज। हाँ, इसका मतलब सच में कोई चाहता है कि ये पंख तो किसी कौवे का लगता है ना? ये वाकई अग्नि का घोंसला है और चोर है कल्लू। मैं यही तो तुम्हें बताना चाह रहा था। अच्छा, तो तुमने हमें ऐसा कहा क्यों नहीं? तुम बस ये कहे जा रहे थे कि ध्यान रखो और शांति रखो। पहले तुम ये सोच लो कि तुम कहना क्या चाहते हो, बेवकूफ। गंदे पंखों के ढेर, दोस्त चुराने वाले, मेरा मतलब कि घोंसला चुराने वाले। मोगली, कितने अच्छे मौके पर आए हो। और तुम अग्नि के घोंसले में क्या कर रहे हो? उसने मुझे ये तोहफे में दिया है। क्यों, क्या उसे याद नहीं? बेचारी नन्ही अग्नि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुमने उसे वो काली बेरी दी ताकि वो अपना आपा खो बैठे और तुम उसका घोंसला चुरा सको। चलो ये बात अग्नि से ही पूछ लेते हैं इसी वक्त। लगता है हमने उसे खो दिया है। मेरा पंख। बिल्कुल हिलना मत। बगीरा, लगता है इसका पंख टूट गया है। बलू को बुला कर लाओ, तुम सबसे तेज हो। मैं तुम्हें यहाँ इन दोनों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, तुम्हें घायल जानवर का शिकार नहीं कर सकते। कल्लू, तुम ये क्या कर रहे हो? जैसा कि मैंने सोचा था, घोंसला बहुत अच्छा है और ये रहा तुम्हारा नन्ना दो पैरों वाला खाना थाली में परोसा हुआ, जैसा कि मैंने वादा किया था। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा शेर खान, और अग्नि से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाना होगा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने सब गलत समझा। मेरी छानबीन और सब कुछ, अग्नि तो बस एक चारा थी। मेरा छोटा नाश्ता कहाँ है? वो चली गयी और तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। हाँ, आखिरकार आ ही गई। शेर खान, मिलो अपने नाश्ते से। तुम बहुत ही भोले हो मोगली, ये तुम्हारे खत्म होने की जगह होगी। अग्नि मर गई और तुमने उसे जहर दे दिया। तुम बदसूरत पंखों वाले, तुम्हारी चोंच ने अपना काम कर दिखाया। नटी नट नट क्रैकर। और इस तरह हमें पता चला कि अग्नि का घोंसला चुराने के लिए कल्लू ने उसे बेरीज दी थी, और ये सच है। हाँ, उसकी हालत की वजह से पता चलता है, पर जहर का असर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे, मुझे तुम पर फक्र है। मर गई, ये कैसा खिलवाड़ है कल्लू। तुम मुझे जहर देना चाहते थे, है ना? तुम्हारा शुरू से यही इरादा था ना? वो सारी तरकीबें और चापलूसी, तुम मेरा पत्ता काटना चाहते थे। चाहते थे कि नहीं? तुम मुझे मारना चाहते थे? मैं कसम खाता हूँ, इन बेरीज से कुछ नहीं होता। अच्छा, तो क्यों ना पता लगाया जाए। चलो खाना शुरू करो। चलो, मोगली, लेकिन तुमने कैसे? तुम बहुत भोले हो शेर खान, और यही तुम्हारी कमजोरी है। देखते हैं आखिरी हंसी किसकी होगी। चबाके! जानते हो बलू, तुम्हारे सबक के बिना हम ये रहस्य कभी सुलझा ही नहीं पाते। पर हमने सब कुछ उल्टा समझा है ना? हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे कल्लू और शेर खान की चाल है। तुमने सही कहा, हम कुछ भी नहीं समझ पाए। तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, यही तो चाहिए। अग्नि को उसका घोंसला वापस मिल जाएगा और शेर खान को अच्छा सबक मिल गया, उसके दोस्तों की बदौलत।
मैं गुड बाय कहने आई हूँ। कैसी हो तुम पोनिया? मैं सर्दियों के लिए पहाड़ों पर जा रही हूँ। मैं अगले बसंत में वापस आऊंगी। बहुत सुंदर है। क्या है ये? ये तुम्हारे लिए है। ये बहुत मुलायम है। ये रुई की झाड़ी की टहनी है। वहाँ गांव के पास इसके बड़े बड़े खेत हैं। झाड़ी पर पहले एक पीला फूल उगता है जो लाल हो जाता है, फिर इस तरह का गोला बन जाता है जिसे रुई कहते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। किसी बड़े मुलायम बर्फ की बूंद जैसा है ये। तुमने कभी बर्फ नहीं देखा है ना मोगली? वो सफेद होती है, आसमान से गिरती है, बर्फ जमीन पर पेड़ों पर गिरती है और हर चीज को ढक देती है, जैसे कोई जादू हो। मैं जरूर ये स्नो देखना चाहूँगा, वो जरूर बहुत खूबसूरत होगी। हाँ, जब हम इस पर चलते हैं तो हमारे पंजे जम जाते हैं। मैंने बर्फ के बारे में इंसानों से सीखा है। सही कहा तुमने, तुम इसमें फिसल कर बहुत मजे कर सकते हो। मैं ये स्नो और उसकी जादुई बारिश देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ पोनिया? वो पहाड़ियाँ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, एक इंसान के बच्चे के लिए यह खतरनाक सफर है। बस थोड़ी देर के लिए, मैं वापस आ जाऊंगा। बल्लू सही कह रहा है, हिमालय जंगल से बहुत दूर है। बाद में जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें ले चलूंगी। अब मुझे जाना चाहिए, मुझे सवेरे सवेरे निकलना है, बहुत दूर जाना है। सफर में मजे करना। जल्दी मिलेंगे पोनिया। नमस्ते, अपने खाने का आनंद ले रहे हैं मालिक? क्या आप अपने इस भूखे दोस्त को भी एक टुकड़ा देंगे? किसने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, मक्खियों के ढेर? और नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, जाकर अपना खाना खुद ढूंढो। कल्लू ने मुझे बताया कि तुम एक गिरगिट भी नहीं पकड़ सके। ये बूढ़ा कौवा बहुत बकवास करता है मालिक। कल मैं आपके लिए कुछ बहुत ही खास लेकर आऊंगा। मैं अपनी जबान देता हूँ। सब जानते हैं तुम्हारी जबान की क्या कीमत है लोमड़ी। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो अपना खाना खुद कमाना सीखो। तुमने अभी तक वो इंसान का बच्चा मुझे नहीं दिया, इतने सारे वादे के बावजूद। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें कोई काम के बिना कुछ नहीं खिलाने वाला। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही। कोई परेशानी है? मैं स्नो देखना चाहता हूँ। क्या कहा? पोनी अलविदा कहने आई थी और मैं उसके साथ एक सफर पर जाना चाहता हूँ और पहाड़ों पर फिसलना चाहता हूँ, पर बलू ने कहा कि मैं ऐसे सफर के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो, तुम बड़े हो गए हो और पहाड़ भी ज्यादा दूर नहीं है। फिर पोनिया भी तुम्हारे साथ ही होगी, उसे भी निकले ज्यादा देर तो हुई नहीं है, तो तुम्हें जल्दी करनी होगी। हाँ, पर बलू को फिक्र होगी, उसे बता कर जाना चाहिए, पर वो मुझे जाने ही नहीं देगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं खुद जाकर उसे बता सकता हूँ। पता नहीं ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं। उसे इस वक्त जगाकर बेकार परेशान करने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी कितनी बार मदद की है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। पता नहीं मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, तुम पहले ही मुझे कई बार फंसा चुके हो। लेकिन इस बार बात अलग है मोगली, तुम पोनिया के साथ बर्फ देखना चाहते हो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, वादा रहा। मैं बलू को समझा दूंगा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मौके को हाथ से गंवाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जब मैं छोटा था तब मैंने बर्फ देखी थी और वो बिल्कुल लाजवाब थी। बलू समझ जाएगा, मुझे यकीन है। जब वो छोटा था तब उसने भी बर्फ देखी थी, तुम्हारी तरह। सही कह रहे हो, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, चिंता मत करो, जाओ, जल्दी ही सवेरा हो जाएगा, जाओ। क्या तुमने मेरी पूंछ पर पैर रखा? किस्मत वाले हो कि मैं अभी भी नींद में हूँ। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मालिक, मालिक सुनिए, वो छोटा इंसान अकेला है फिलहाल, और मैं आपको दिखा सकता हूँ वो कहाँ पर है। दरअसल ये मेरी चालाकी की वजह से हुआ है। चलो चले, बाकी की कहानी मुझे रास्ते में सुनाना, और उम्मीद है कि कोई बेवजह की भागदौड़ नहीं होगी। है मालिक, वो बर्फ देखना चाहता है पोनिया के साथ पहाड़ों पर, और क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने उससे कहा कि सुनो इंसान के बच्चे, बलू को तुम मुझ पर छोड़ दो। कितना चालाक हूँ मैं।
सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं का। ओह, तो ये तुम हो। आज की रात सबको हुआ क्या है? उस लाल पांडा ने सबसे पहले मुझ पर पैर रखा था। पोन्या, कितनी देर पहले? और वो किस तरफ गई है? उस तरफ। पर तुम थोड़ी देर आराम कर लो, वो ज्यादा दूर नहीं गई, तुम उसे पकड़ लोगे। एक छोटी सी छपकी ले लो ताकि तुम किसी को परेशान ना कर सको। मुझे सुलाने की कोशिश मत करना, ओके? मेरे पास वक्त नहीं है। मोगली, मोगली, मोगली! उसने मुझ पर यकीन कर लिया जब मैंने उससे कहा कि मैंने बर्फ देखी है। और मैं उस मोटे बालों वाले भालू को तो कुछ नहीं बताने वाला। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, वो मेरे जाल में पूरी तरह से फंस गया है। अपना मुंह बंद रखो गाजर के छिलके, तुम बोलते बहुत ज्यादा हो और करते बहुत कम हो। पर नहीं मालिक, ये सच नहीं है। मैंने कहा चुप हो जाओ, वरना हमेशा के लिए तुम्हें चुप कर दूंगा। अगर मैं नहीं होता ना। भागो यहाँ से गंदे कौवे, मालिक और मुझे जरूरी काम निपटाने हैं। वो मैं समझ गया, तुम बहुत बिजी हो, जबकि वो इंसान का बच्चा खुला घूम रहा है। पर अगर तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं फिर। मैंने कहा ना हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बदौलत। चुप हो जाओ बेवकूफ, कल्लू तुमसे कहीं ज्यादा काम आएगा। बोलो मेरे प्यारे दोस्त। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये तो बेवकूफ है, वो अपनी ही गुफा में अपनी माँ को भी नहीं ढूंढ सकता। मोगली! मैं उसकी नाक के नीचे था, मैं सोच रहा था वो बकवास बंद भी करेगा कि नहीं। तुमने मोगली को देखा है? ओह, तो तबाकी ने मोगली को पकड़ने की नई तरकीब सोची है ना? नहीं, वो अजीब जगह के बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कुछ स्नो। स्नो? वो जरूर पोनिया के पीछे गया होगा। जल्दी, इससे पहले कि खतरा बढ़ जाए, उस लोमड़ी ने ही शेर खान को ये घटिया आइडिया दिया होगा। शुक्रिया दोस्तों। किसी का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। मैं तुम्हें जीने दूंगा पत्तियां खाने वाली, अगर तुम मुझे बता दो कि वो इंसान का बच्चा कहाँ है। घर पर बलों के साथ। सुनो छोटी मक्खी, अगर तुमने मुझसे एक बार भी झूठ बोला तो मैं तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि ये कौवा बात करने में बहुत उस्ताद है। तुम भले ही उड़ना जानते हो, पर तुम अभी तक उस इंसान के बच्चे को नहीं ढूंढ पाए है ना? मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ शेर खान, वो ज्यादा दूर नहीं होगा। बस बातें ही करते हो। मैं एक भी शब्द और सुनना नहीं चाहता, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम किसी भी काम के नहीं हो। ओ, तुमने मुझे सुला दिया। मैंने कहा था ना मैं जल्दी में हूँ। मोगली, मेरे लिए रुको। बचाओ, बचाओ, बचाओ। तो तुम यहाँ हो बूढ़े पंछी। लगता है कि बड़ी बिल्ली किसी मुसीबत में है। चलो चले देखते हैं टाइगर को फेंकने में कैसा मजा है। मेरे लिए रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए थोड़ा और इंतजार करूंगा। हम सभी वहाँ साथ जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। मेरा मतलब जो लोग स्नो देखना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। मैं इस वक्त इतनी दूर तक अकेला सफर नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे साथ जरूर जाना चाहूंगा बलू। हाँ, मुझे ये मुलायम बर्फ बहुत पसंद है। देखा मोगली, कुदरत का जादू देखने के लिए तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं।
बागीरा और बलू अपने करतब